सलवार कमीज, घग्गरा, कुर्ता पजामा जां बंदियां दे पहरावे, जनानियां दे पहरावे, पग्गां, चुन्नियां, मतलब वो तो पंजाब दे ट्रेडिशन च पिछों सी। अंग्रेज़ां दे आउण नाल मतलब साडी ट्रेडिशनल ड्रैस दे अंदर भी कोई फेर बदल होए आ? बिल्कुल जी, मतलब वो किस किस शक्ल च होए, वो डिफाइन वो मैं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करदी आ कि की इन्फ्लुएंस होया वैसटर्न, उस तो बगैर नहीं समझ विच आएगा। क्योंकि एक टॉमस मकौले होए है जिहड़े कि 1830s विच उन्हां ने एक मिनट टू एजुकेशन लिखिया सीगा, जिहदे विच उन्हां दा इह व्यू सीगा ब्रिटिश जिहड़े रूल करदे सी उन्हां दा वो गैप समझदे सीगे बिटवीन द रूलर्स एंड द पीपल। तो मकौले दी ये अंडरस्टैंड यह विचार सीगा कि तुसी स्कूल खोलो, एजुकेट करो लोगों नू ताकि दे एक्ट एज इंटरप्रेटर्स बिटवीन पीपल एंड द रूलर्स। पर उस ना होया कि क्योंकि बहुत सारे स्कूल खोले, फिर बाद विच लेट 19th सेंचुरी 1860s विच गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, HSN कॉलेज जेड़ा पहला चीफ्स कॉलेज कहते सी प्रिंसेस वगैरह लिए, वो खुलिया या प्रिंसेस जी रॉयल्टी सी वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्यूटर्स रखते सी जिहदे च उन्होंने सिखाते सी इंग्लिश वे। सो हौली हौली जिहड़ा बच्चा 11 साल उन्हें ड्रैस पाई, निक्कर, शर्ट, टाई पा के स्कूल ड्रैस पाता सी, जदों वो 11 साल बाद वो ग्रैजुएट होया उहदी तां ड्रैस उही बदल गई। पर ये फर्क इन्ना होया क्योंकि जिहड़ियां गर्ल्स सीगियां उन्हां दी यूनीफॉर्म वैसटर्न यूनीफॉर्म नहीं सीगी, वो सलवार कमीज़ ही पाउंदियां सीगियां, इस करके उन्हां ते इन्ना इन्फ्लुएंस नहीं होया। Now coming back to your question कि पहला तो मैन फोक उन्होंने देवर एक सेंट निहाल सिंह होए जर्नलिस्ट, उन्होंने एक प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन उन्होंने लिस्ट किया है इन 1900 उन्होंने एक किताब लिखी सी, कहते द प्रोसेस वेस्टर्नाइजेशन पहला स्टैप है कि लोग जराबां पाते हैं, उस तो बाद शूज़ पाते हैं, फिर वह वैसटर्न गारमेंट्स इंडियन कुर्ते या इंडियन ड्रैस के उत्ते पाते, और लास्टली जदों वो ट्राउज़र पाते हैं यदा मतलब वो टोटली वैसटर्नाइज हो गए हैं। क्योंकि वो ट्राउज़र्स पाते जदों ट्राउज़र्स केम इन स्टार्टेड दे वेयरिंग स्टार्टेड वेयरिंग ट्राउज़र्स, उदों उन्हां दे घरां विच वैसटर्न फर्नीचर आया, जिवें आपां बैठे हाँ सोफे ते पहलां नहीं सीगा, वो नीचे कपड़ा बिछाया जांदा सी, सारे लोग उत्थे नीचे बैठते सीगे, ये तो एक चेंज हो गई। उस तो इलावा एक कई गारमेंट्स भी इवॉल्व होए आ इन मैनस क्लोथिंग जेड़े फ्यूजन गारमेंट्स कह लो, जिवें अचकन है, अचकन दे ये लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी का गारमेंट है, इस तो पहला किसी ने मैनशन नहीं किया किसी राइटर ने इस दे बारे। ये विच एलीमेंट्स है इंडियन लेंथ, क्योंकि जोड़ा जामा या अंगरखा वगैरह सी उहदी लेंथ, साइड दियाँ चाकां दैट्स इंडियन, और उपरला हिस्सा जे तुसी देखो ये बिल्कुल जे मैं अपनी बुक विच दिती हैगी फोटोग्राफ्स ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड इन 1838 एंड लॉर्ड डलहाउजी इन 1850, जे दोनों दी तुसी देखो उपरला हिस्सा बिल्कुल इट्स अ कॉपी ऑफ दैट बंद गला जेडे बटन्स है ये भी वेस्ट तो आए है। बाय दिस टाइम इंग्लिश टेलरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई सी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हुई जिमें कपड़ा स्लीव्स का कट या डार्ट्स या स्लिट पॉकेट्स, ये सब इज़ अ वेस्टर्न एलिमेंट। होर तुसीं जाओगे विमेंस ड्रैस वो क्योंकि लेडीज़ ने बाहर ज़्यादा नहीं सी जाते उन्हां दा इंटरैक्शन घट होया। कोई कई लेडीज़ पाउंदियां सी वैसटर्न ड्रैस जिवें कह लो रॉयल्टी या प्रोमिनेंट क्रिश्चियन फैमिलीज़, पर जनरली बाय एंड लार्ज विमेन डिड नॉट वेयर वैसटर्न क्लोथ्स। पर यह नहीं है कि उन्हां ते प्रभाव नहीं आया। ओह जिवें साड़ी है, मैनर ऑफ टाइंग अ साड़ी, उहदे विच पेटीकोट ब्लाउज़ ऐड किया, वो सारा वेस्ट तो आया, प्लस यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स। और एक पंजाब विच स्पेशली एक गारमेंट इवॉल्व होया वास्कट, जिहड़ा कि इट इज़ अ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ वैसटर्न वेस्टकोट कह लो, जिवें अजकल भी वेस्टकोट पाते हैं ना, बिल्कुल सामने डीप यू नैक, 3-4 बटन्स, स्लिट पॉकेट्स। और क्योंकि आदमी वो वेस्टकोट के उत्ते कोट पाते सीगे, उन्हां दी बैक वॉज प्लेन। वो सेम उन्होंने कॉपी लेडीज़ दे वास्केट विच एग्जैक्टली द सेम थिंग इज़ कॉपी। सो लेडीज़ वर अफेक्टेड इन अ डिफरेंट वे। वो वेस्टर्न ड्रैस घट पाई, पर मटीरियल का यूज़ ऑफ एक्सेसरीज, पर्सेस, हैंकरचिफ, कॉस्मेटिक्स, शूज़, सैंडल्स, जिमें वो बाल बनाते सीगे, यूजिंग ऑफ कर्लिंग आयन, वो सब इफेक्ट होया।